नमस्कार, सिटी समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण ने 84 गांव जलापूर्ति योजना बंद करने की नोटिस दी। जिला परिषद सभागृह में तोड़फोड़ करने वालों पर पुलिस में शिकायत दर्ज। इंडिका कार से गाय व गोरा बरामद। और बीडीओ के पक्ष में ठिया आंदोलन। दैनिक देखभाल और दुरुस्ती के लिए तुरंत नीति उपलब्ध कराए, अन्यथा 84 गांव प्रादेशिक जलापूर्ति योजना को 7 जून से बंद करने की नोटिस महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण ने जिला परिषद को दी है। अकोट की 84 गांव प्रादेशिक जलापूर्ति योजना को 6 जून की मध्यरात से बंद किए जाने की नोटिस महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के नागरी व ग्रामीण योजना विभाग ने जिला परिषद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को दी है, जिसके कारण हड़कंप मच गया है। अकोट की 84 गांव प्रादेशिक जलापूर्ति योजना की दैनिक देखभाल और दुरुस्ती के लिए निधि उपलब्ध नहीं कराई गई है, जिसके कारण इस योजना को 7 जून से बंद करने का निर्णय लिया गया है। जिला परिषद इस योजना को स्वयं हस्तांतरित करे अथवा यदि महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण इस योजना को चलाए, ऐसी इच्छा जिला परिषद की है। देखभाल और दुरुस्ती का कम से कम 6 माह का 2,88,00,000 का खर्च तुरंत अदा करे, इस प्रकार का निवेदन किया गया था, परंतु महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के पास निधि योजना के व्यवस्थापन के लिए उपलब्ध नहीं कराई गई, जिसके चलते यह योजना 7 जून से बंद करने का निर्णय लिया गया है। महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के इस कठोर निर्णय के कारण 84 गांव प्रादेशिक जलापूर्ति योजना पर काले बादल मंडरा रहे हैं। इस निर्णय को लेकर जिला परिषद के सीईओ क्या कदम उठाते हैं, इस ओर सभी का ध्यान लगा हुआ है। जिला परिषद के सभागृह में तोड़फोड़ करने वाले सदस्यों के खिलाफ जिला पुलिस अधीक्षक के पास शिकायत किए जाने के बाद सदस्यों में खलबली मच गई। मंगलवार को जिला परिषद की सभा में सदस्यों ने जमकर हंगामा मचाते हुए सभागृह में तोड़फोड़ की। इस तोड़फोड़ में सभागृह की कुर्सियां, टेबल, दरवाजों के कांच फोड़े गए। इस घटना को गंभीरता से लेते हुए जिला परिषद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ई रविंद्रन ने जिला पुलिस अधीक्षक के पास बाय पोस्ट के माध्यम से सभागृह में हंगामा कर तोड़फोड़ मचाने वाले सदस्य हरिभाव भालतिलक, सेवकराम ताथोड़, नितिन देशमुख, बंडू ढोरे, विठलराव गावंडे सहित अन्य सदस्यों पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने को कहा है। इस घटना में जिला परिषद प्रशासन का 1 से 1.25 लाख का नुकसान हुआ है। इस शिकायत को लेकर जिला परिषद के अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री विश्वनाथ केलकर ने जानकारी दी। तकरार राजेश वर्मा है, आज पुलिस स्टेशन जाऊ 154(1) अंतर्गत 154(1) म्हणजे 154(1) CRPC अंतर्गत FIR द्यायचा प्रयत्न केला। काही कारणामुळे तो FIR घेतला गेला नाही, त्याच्यामुळे 154(3) CRPCचा अवलंब करून माननीय पोलीस अधीक्षक साहेब यांच्याजवळ रजिस्टर पोस्टाने ती FIR पाठवण्यात आलेली आहे। बिना क्रमांक के इंडिका कार का पीछा कर उसमें से एक गाय और एक गोरा बरामद करने की घटना ने यह सिद्ध कर दिया है कि ग्रामीण इलाकों से पशुधन चुराने वाली कई टोलियां सक्रिय हो गई है। एंटी गुंडा स्क्वाड ने फिल्मी अंदाज में इंडिका कार का पीछा कर फुलारी चौक पर पकड़ा। उस इंडिका कार से एक गाय और एक गोरा निकलने के कारण यहां खलबली मच गई। ग्रामीण इलाकों से पशुधन चुराकर शहर में लाने की घटनाएं बढ़ गई है। बुधवार के दोपहर एंटी गुंडा स्क्वाड के नईम अपनी मोटरसाइकिल से जा रहे थे, तब अकोट फैल से होती हुई एक इंडिका कार उन्हें अनियंत्रित गति से दौड़ती दिखाई दी। उस इंडिका कार पर नंबर प्लेट भी नहीं थी, जिसके कारण पुलिसकर्मी ने अपनी मोटरसाइकिल से इंडिका कार का पीछा किया।
तब इंडिका फतेह चौक से मोहम्मद अली मार्ग की ओर मुड़ गई। इस दौरान कार ने एक ऑटो व बाद में सीमेंट से भरे टाटा 407 वाहन को टक्कर मार दी। इस बीच एंटी गुंडा स्क्वाड के नईम ने अपने साथियों को भी बुला लिया। मामला तुल पकड़ता दिखाई दिया। इंडिका चालक व एक अन्य अपना वाहन छोड़कर भाग गए। पुलिस कर्मियों ने जब इंडिका कार का दरवाजा खोला तो उसमें से एक गाय और एक गोरा बाहर निकलकर आ गया, जिसे देखकर सभी अचंभित रह गए। घटना की जानकारी पाते हुए फुलारी चौक पर रामदास पेट के थाना प्रभारी डीसी खंडेराव और सिटी कोतवाली के थाना प्रभारी विलास पाटिल भी पहुंचे। पुलिस ने गाय, गोरा और इंडिका कार को जब्त किया है। इस घटना के कारण फुलारी गली में काफी भीड़ जुट गई थी। मलकापुर वासियों ने जल संकट से त्रस्त होकर पंचायत समिति के बीडीओ कक्ष में ठिया आंदोलन किया। अकोला के समीप स्थित मलकापुर में पानी का भीषण संकट है। भीषण जल संकट के कारण यहां के लोग त्रस्त हो गए हैं। मलकापुर ग्राम पंचायत भी इस समस्या को हल करने के लिए कुछ कदम नहीं उठा रही है। कुछ दिनों पहले जल संकट का सामना कर रहे लोगों ने मलकापुर ग्राम पंचायत का भी घेराव किया था, फिर भी किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की गई, जिससे संतप्त मलकापुर की महिलाओं ने पंचायत समिति पर मोर्चा निकालकर बीडीओ कार्यालय में ठिया आंदोलन किया। इस ठिया आंदोलन के दौरान बीडीओ अपने कक्ष में उपस्थित नहीं थे। जल संकट की समस्या को लेकर ठोस कदम न उठाए गए तो तीव्र आंदोलन करने के संकेत भी दिए गए। समाचारों में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा। आपके अकोला शहर में उत्सव मेला। मनोरंजन का भरपूर खजाना, आकाश झूला, ब्रेक डांस, सलाम बो, मौत का कुआं, क्रॉसव्हील झूला, मैजिक शो, नाव झूला और भी बहुत कुछ। आइसक्रीम, भेल, कचौरी आपकी सेवा में शाम 5 से 10 बजे तक। पत्ता स्वराज्य भवन अकोला, मोबाइल नंबर 9371686112, 9423415686। कीर्ती कोचिंग क्लासेस, यश तुमचे, ध्येय आमचे। नवी पास विद्यार्थ्यांसाठी 10वी 3ही माध्यम करिता बेस्ट 5 साठी वर्षभर तयारी। 11वी 12वी आर्ट्स कॉमर्स सायन्स विद्यार्थ्यांची प्रवेश प्रक्रिया सुरू। पीएमटी पीएटी ची 1 महिना गेसिंग ने तयारी। क्लासची वैशिष्ट्ये, सर्व विषय एकाच ठिकाणी, तज्ञ प्राध्यापक वर्ग, प्रत्येक आठवड्याला टेस्ट ने तयारी, परीक्षा आधी टेस्ट सीरीज व गेसिंग ने तयारी, वर्षभर प्राध्यापिका कीर्ती दीक्षित मॅडम यांचे बहुमूल्य मार्गदर्शन, 17 नंबरचा फॉर्म भरणाऱ्यांना संधी, तर आजच आपला प्रवेश निश्चित करा। प्रवेशासाठी संपर्क व्यवस्थापक अंकुश इटकीकर, संचालिका कीर्ती दीक्षित मॅडम, कीर्ती कोचिंग क्लासेस, कलश अपार्टमेंट, मनमंदिर साडी शोरूमच्या बाजूला, दुर्गा चौक, अकोला। अकोला जिला परिषद के सभागृह को कुरुक्षेत्र का मैदान बनाकर जनतंत्र को शर्मसार करने की घटना सभी ने देखी है। सरकारी मालमत्ता का नुकसान कर अपनी खींच मिटाने वाले सदस्यों पर कठोर कार्रवाई करने की जरूरत आ गई है। मंगलवार को जिला परिषद के सभागृह में सर्वसाधारण सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें पीठासीन अध्यक्ष ने गंभीर मुद्दे पर चर्चा किए बगैर सभा समाप्त कर दी, जिससे गुस्साए सदस्यों ने सभागृह में जमकर तोड़फोड़ मचाते हुए टेबल, कुर्सियां, दरवाजे के शीशे चकनाचूर कर दिए। जनतंत्र को शर्मसार कर देने वाली घटना ने जिला परिषद की काली किताब में एक और अध्याय जोड़ दिया है। सभा के बाद सदस्यों में गुस्सा कम लेकिन खींच और बदले की भावना अधिक दिखाई दे रही थी। गुस्से में की गई तोड़फोड़ और पहले से तय तोड़फोड़ का इरादा सदस्यों के चेहरों पर साफ दिखाई दे रहा था। जिस प्रकार किसी भी तरह के आंदोलन में तोड़फोड़ सरकारी संपत्ति का नुकसान होता है, तब नुकसान की भरपाई आंदोलन आयोजित करने वाली पार्टी अथवा संगठन से वसूल की जाए, इस प्रकार के आदेश सर्वोच्च न्यायालय ने दिए हैं। फिर जिला परिषद के सभागृह में सरकारी मालमत्ता का बुरी तरह से नुकसान करने वाले जिला परिषद सदस्यों पर यह आदेश क्यों नहीं लागू किया जा रहा है,
सिटी न्यूज ने अपने समाचार के माध्यम से सभागृह में किए गए हंगामे को बताया था, जिसके बाद विकास की बजाय विनाश कर रहे सदस्यों को लेकर कई लोगों ने संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त कर जनतंत्र को शर्मसार करने वाली ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो इसके लिए जिलाधिकारी व मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला परिषद अध्यक्ष को आवश्यक कठोर कार्रवाई करने की मांग की है, अन्यथा भविष्य में इससे भी अधिक कलंकित करने वाली घटना होनी ही होनी है। अकोला जिला इंजीनियर व कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने श्री की पालकी में शामिल वारकरियों को वेफर के पैकेट व पानी पाउच का वितरण कर अपनी श्रद्धा जताई। बुधवार को शेगांव के संत श्रेष्ठ श्री गजानन महाराज की पालकी आगे के लिए निकली, तब सिविल लाइन चौक पर जिला परिषद कर्मचारी भवन के सामने अकोला जिला इंजीनियर व कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन की ओर से श्री की पालकी का भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने पालकी में शामिल वारकरियों को आलू चिप्स के पैकेट का वितरण किया। इस अवसर पर HH ठाकुर, अशोक निचल, किशन राव हुंडीवाले, विजय यादव, प्रकाश भंसाली, नीता भंसाली, सुभाष रवि, सनी भंसाली, सुमन ठाकुर, सुरेश बदर, राजू ढेकले आदि उपस्थित थे। सुशिक्षित बेरोजगारों को रोजगार मिले इस उद्देश्य से जिलाधिकारी कार्यालय के छत्रपति सभागृह में रोजगार सम्मेलन का आयोजन किया गया। अकोला जिले के सुशिक्षित बेरोजगारों को रोजगार मिले इस उद्देश्य से जिला रोजगार व स्वयं रोजगार मार्गदर्शन केंद्र के मार्फत रोजगार सम्मेलन का आयोजन जिलाधिकारी कार्यालय के छत्रपति सभागृह में किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन जिलाधिकारी श्री परिमल सिंह ने किया। इस अवसर पर जिला परिषद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ई रविंद्रन, मनपा आयुक्त दीपक चौधरी, जिला नियोजन विभाग के अधीक्षक श्री पाटिल उपस्थित थे। इस कार्यक्रम का आयोजन जिला रोजगार व स्वयं रोजगार मार्गदर्शन केंद्र के सहायक संचालक श्री SM पांडे ने किया था। इस रोजगार सम्मेलन के लिए औरंगाबाद की रूबिकॉन पॉम्यूलेशन, दूध ट्रांसमिशन व अकोला की पैटसन्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड इन तीन कंपनियों ने ट्रेनी ऑपरेटर के कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए अपनी उपस्थिति दर्शाई थी। लगभग 260 पदों के लिए जिले के 400 सुशिक्षित युवक युवतियों ने अपनी उपस्थिति दर्शाई थी। संत श्रेष्ठ श्री गजानन महाराज की पालकी का विश्राम मुंगीलाल बाजोरिया विद्यालय के प्रांगण में रखा गया। यहां हजारों श्रद्धालुओं ने श्री के दर्शन लिए। मंगलवार 29 मई की सुबह 6 बजे शेगांव के संत श्रेष्ठ श्री गजानन महाराज की पालकी का अकोला आगमन हुआ। दिन भर शहर के प्रमुख मार्गों से श्री की पालकी निकली, जिसका जगह जगह पर भव्य तरीके से स्वागत किया गया। रात में शहर के मुंगीलाल बाजोरिया विद्यालय के प्रांगण में श्री गजानन महाराज की पालकी ने विश्राम लिया। यहां पालकी व वारकरियों को ठहरने का पूरा प्रबंध किया गया था। मुंगीलाल बाजोरिया विद्यालय के प्रांगण में अत्यंत आकर्षक झांकी तैयार की गई थी। यहां भजन कीर्तन संध्या का आयोजन भी किया गया था व प्रसाद का वितरण भी हुआ। श्री गजानन महाराज की पालकी के दर्शन करने के लिए हजारों श्रद्धालु मुंगीलाल बाजोरिया विद्यालय के प्रांगण में पहुंचे थे। सभी श्रद्धालुओं ने लंबी कतार में लगकर श्री गजानन महाराज के दर्शन लिए, जिसके कारण यहां यात्रा का स्वरूप प्राप्त हो गया था। इस अवसर पर एक श्रद्धालु ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। अकोला में लोग अकोला से लोग सेवा जाते हैं दर्शन के लिए। खुद गजानन महाराज यहाँ अकोला में आए हैं, तो हमें बहुत खुशी है कि अकोला में दर्शन करने के लिए हमारे घर के पास से गए। गुलजारपुरा में शरारती तत्वों ने तनाव पैदा करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की तत्परता के कारण यहाँ कुछ नहीं हो पाया। बुधवार को गुलजारपुरा में फिर तनाव की स्थिति पैदा हो गई। फायरिंग की घटना में घायल पार्षद अजय रामटे के आइकॉन अस्पताल में स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ असामाजिक तत्व गुलजारपुरा में तोड़फोड़ के लिए निकले थे, जिसकी जानकारी पाते ही पुलिस ने गुलजारपुरा दौड़ लगाई, जिसके कारण असामाजिक तत्वों के मनसूबे पर पानी फिर गया। फायरिंग की घटना में जिन तीन लोगों के नाम सामने आ रहे हैं वे इसी इलाके के हैं, जिसके कारण संभावना जताई जा रही है कि कुछ लोग उन तीनों के घरों को निशाना कर सकते हैं। गुलजारपुरा में फिलहाल पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त लगाया गया है और पुलिस के जवान सिविल ड्रेस में गश्त लगा रहे हैं। सिटी न्यूज के पहल के बाद मारुति नगर के रास्ते का रुका हुआ निर्माण कार्य शुरू हुआ, जिसे लेकर मारुति नगर के नागरिकों ने सिटी न्यूज का आभार माना है। सिटी न्यूज ने उद्घाटन के बाद भी निर्माण से वंचित रास्ते को लेकर प्रकाश डाला था, जिसके कारण मारुति नगर में संबंधित ठेकेदार ने रास्ते पर मुरुम डालकर रास्ते के निर्माण की शुरुआत की। डाबकी मार के मारुति नगर में विधायक गोवर्धन शर्मा के स्थानिक विकास निधि से रास्ते का निर्माण कार्य किया जाने वाला था। इस रास्ते के निर्माण का भूमि पूजन भी किया जा चुका था, लेकिन भूमि पूजन के बाद रास्ते के निर्माण का काम ठंडे बस्ते में चला गया था। सिटी न्यूज ने इसी बात पर प्रकाश डाला था।
सिटी न्यूज के दखल लेते हुए विधायक महोदय ने संबंधित ठेकेदार को बुलाकर खरी खोटी सुनाई। तब जाकर ठेकेदार ने मारुति नगर के निर्माणाधीन रास्ते पर मुरुम का माल डलवाया, जिसके लिए मारुति नगर के नागरिकों ने सिटी न्यूज का आभार माना है। संत श्री गजानन महाराज के पालके का स्वागत कर साक्षी ऑप्टिकल्स द्वारा वारकरियों को साबुन का वितरण किया गया। बुधवार की सुबह श्री गजानन महाराज की पालकी आगे के लिए निकली, जिसका जगह जगह पर भव्य तरीके से स्वागत किया गया और टावर से रतनलाल प्लॉट की ओर जाने वाले मार्ग पर साक्षी ऑप्टिकल्स की ओर से श्री गजानन महाराज की पालकी व पालकी में शामिल सैकड़ों वारकरियों का भव्य तरीके से स्वागत किया गया। साक्षी ऑप्टिकल्स के संचालक श्री संजय देशमुख व देशमुख परिवार की ओर से सभी वारकरियों को साबुन की भेंट दी गई। देशमुख परिवार द्वारा प्रत्येक वर्ष श्री की पालकी का स्वागत कर वारकरियों को अलग अलग प्रकार की भेंट वस्तु दी जाती है। इस अवसर पर देशमुख परिवार के सदस्यगण भी उपस्थित थे। रेल स्थानक पर पार्ले कंपनी का वेपर खरीदने के बाद यात्री उस समय भौचक्का रह गया जब उसमें आलू चिप्स के साथ बड़े प्रमाण में कचरा निकला। किसी भी प्रकार की यात्रा के दौरान कुरकुरे, आलू चिप्स, मूंग दाल आदि के पैकेट बड़े प्रमाण में खरीदे जाते हैं। लोगों की मानसिकता को ध्यान में रखते हुए बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपने उत्पादन बाजार में उतारे हैं, जिनकी जमकर बिक्री हो रही है। कंपनियों का सिर्फ नाम ही काफी होने के कारण लोग आंखें मूंद कर इन उत्पादों को खरीद कर खा रहे हैं। अकोला रेल स्थानक पर नागपुर जा रहे एक यात्री ने पार्ले कंपनी का आलू चिप्स का एक पैकेट खरीदा। वजन में भारी लगने के कारण यात्री ने सिटी न्यूज के समक्ष उस आलू चिप्स के पैकेट को खोला तो उसमें आलू चिप्स के साथ ही बड़े प्रमाण में ऐसा चूरा निकला जो आलू चिप्स का नहीं था। ऐसा माल खाकर किसी की भी तबीयत खराब हो सकती है। संबंधित विभाग द्वारा इस ओर गंभीरता से ध्यान देते हुए आवश्यक कार्रवाई की मांग हो रही है। तो पार्ले जी का है और इसके अंदर मैंने देखा तो इसमें वेट ज़्यादा निकल रहा था। वेट ज़्यादा निकलने के कारण मैंने इसको फाड़ के देखा तो इसमें पूरा चूरा वगैरह आया, तो ये चूरा आने का लालच लगा मेरे को। तो ये मैं बताऊंगा ये पार्ले जी कंपनी वालों को कि इस तरीके की हरकत क्यों। अकोला रेल पुलिस के 7 कर्मियों का तबादला होने पर उन्हें भावभीनी विदाई दी गई। अकोला रेल पुलिस में अपनी सेवा देने वाले 7 पुलिस कर्मियों का तबादला हुआ है। इन कर्मचारियों को अकोला रेल पुलिस थाने में भावभीनी विदाई दी गई। इन 7 पुलिस कर्मियों से एक का तबादला वर्धा जबकि 6 पुलिस कर्मियों के तबादले नागपुर में हुए हैं। इस विदाई कार्यक्रम में अकोला के स्टेशन मास्टर श्री पांडे, जीआरपी के थाना प्रभारी अनिल जुमड़े व पुलिस कर्मी बड़ी तादाद में उपस्थित थे। इस विदाई कार्यक्रम में 7 पुलिस कर्मियों के उल्लेखनीय कार्यों की प्रशंसा भी की गई। अज्ञात वाहन से टकराकर एक हिरण की मौत हो गई। हिरण की मौत को लेकर वन विभाग और पुलिस ने उदासीनता दिखाई। अकोला शहर के आसपास के वनों में पानी की कमी हो गई है, जिसके कारण वन्य प्राणी शहरों की ओर आ रहे हैं। रिदोरा मार्ग पर टाटा मोटर्स के पास अज्ञात वाहन की चपेट में एक हिरण आ गया। वाहन से टकराने के कारण हिरण की मौत हो गई। मृत हिरण की जानकारी वन विभाग और पुलिस को भी दी गई, लेकिन दोनों विभागों ने यहां आना तक उचित नहीं समझा। वनों में पानी की कमी के कारण शहर की ओर आ रहे वन्य प्राणियों के शिकार के संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। वन विभाग ने आसपास के वनों का दौरा कर वन्य प्राणियों के लिए पानी की व्यवस्था करनी चाहिए, इस प्रकार की अपेक्षा व्यक्त की जा रही है। भूमिगत पाइपलाइन को दुरुस्त करते समय लोगों के नलों के कनेक्शन काटे गए, जिसके कारण लोग पानी से वंचित रह गए। अकोला महानगर पालिका के नियोजन शून्यता के कारण अमान खा प्लॉट सहित कई इलाकों के नागरिकों को जलापूर्ति के दिन पानी से वंचित रहना पड़ा, जिसके कारण स्थानीय नागरिकों में तीव्र स्वरूप की नाराजगी व्याप्त हो गई है। सिविल लाइन मार्ग पर अमान खा प्लॉट में मनपा के ठेकेदार द्वारा भूमिगत पाइपलाइन को दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। इस दुरुस्ती कार्य के दौरान नागरिकों के घरों के नलों की भूमिगत पाइपलाइनों को भी काट डाला गया, जिसके कारण जलापूर्ति होने के बाद भी लोग पानी से वंचित रह गए। अब लोगों के घरों में जलापूर्ति करने वाली पाइपलाइनों को कौन और कब जोड़ेगा, इस प्रकार का सवाल नागरिकों में पैदा हो गया है और पाइपलाइन दुरुस्ती का काम लेने वाले ठेकेदारों की कार्यशैली को लेकर स्थानीय नागरिकों ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। पालिका ने आमचा अमान का प्लाट थोड़ा था बाबा साहब धाबेकर मकानासमोर हे पाइपलाइनचं काम सुरू केलेले आहेत। यांचे जे ठेकेदार होते ते ठेकेदारांना हा पूर्ण पाईपच उघडून टाकला। आज आमचा पाण्याचा दिवस असून आम्हाला पाणी भेटून नाही राहिला। याच्यामध्ये ही जी व्यवस्था आहे, ठेकेदारला विचारलं की हा काम कोणाचं आहे तर तो कोणाकडे म्हणायला तयार नाही आहे। तो म्हणतो की सर महानगरपालिकेमध्ये जा। हे जे ठेकेदारने सर्व लाईन तोडून ठेवलेली आहे, ते काही लोकांच्या ज्यांच्या घरात कोणी नाही त्यांचे पाईपलाईन तोडून ठेवले होते, त्यांना कोण सुधारून देणार आहे।
विधायक निधि से बनी व्यायामशाला में एक परिवार रह रहा है। विधायक की यह योजना अपने आप में एक मिसाल बन गई है। पुराना शहर के भीमनगर मैदान के पास विधायक गोवर्धन शर्मा के स्थानीय विकास निधि से व्यायामशाला का निर्माण किया गया था। युवकों में स्वास्थ्य के प्रति जागृति आए इस उद्देश्य से इस व्यायामशाला का निर्माण किया गया था, परंतु अब यह व्यायामशाला नहीं बल्कि एक परिवार का आशियाना बन गई है। पिछले लंबे समय से यहाँ एक परिवार रह रहा है। विधायकों की स्थानीय विकास निधि से युवकों का स्वास्थ्य तो नहीं बन रहा, लेकिन एक परिवार को रहने के लिए छत जरूर मिल गई है। इस व्यायामशाला की मशीनरी कहाँ गई, यह जरूर खोज का विषय बन गया है। शहर में निर्मल भारत अभियान केवल नाम का रह गया है, यहाँ पूरी तरह से साफ सफाई का अभाव नजर आ रहा है। पुराना शहर के श्रीनगर में निर्मल भारत अभियान के तहत सार्वजनिक शौचालय बनाया गया है। इस सार्वजनिक शौचालय में पानी की कोई व्यवस्था नहीं है और न ही यहाँ की साफ सफाई की जा रही है। स्थानीय नागरिक मन महसूस कर अपनी प्राथमिक जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। निर्मल भारत योजना अच्छी थी, लेकिन पूरे शहर में इस योजना को असफल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। प्रत्येक वार्ड में जहाँ जहाँ यह योजना चलाई गई, वहाँ के हाल बेहाल है, जिसके कारण लोगों को तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। 9वीं राष्ट्रीय सिलंबम स्पर्धा चेन्नई में आयोजित की गई है, जिसके लिए अकोला की टीमें चेन्नई रवाना हुई। 1 से 4 जून के दौरान चेन्नई में 9वीं राष्ट्रीय सिलंबम स्पर्धा हो रही है, जिसके लिए अकोला जिले से 5 सदस्यीय टीम का चयन किया गया, जिसमें प्रीति पोहेकर, काजल बुंदेले, खुशबू चोपड़े, वीरेंद्र सिंह सारवान, संदीप माल्टे का चयन सेंसाई अरुण सारवान ने किया है। इस स्पर्धा में महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पांडिचेरी, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गोवा, पंजाब, उड़ीसा, जम्मू, गुजरात सहित अन्य राज्यों की टीमें भाग ले रही है। 30 मई को यह टीम चेन्नई के लिए रवाना हुई। जिला क्रीड़ा अधिकारी अब्दुल मुश्ताक ने सभी को अपनी शुभकामनाएं प्रदान की। खड़की में भारतीय संस्कृति बाल संस्कार शिविर का समापन उत्साह के साथ किया गया। अकोला शहर के समीप खड़की में 9 से 30 मई के दौरान भारतीय संस्कृति बाल संस्कार शिविर का आयोजन किया गया था, जिसका समापन किया गया। इस बाल संस्कार शिविर में संस्कृत श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 12 व 15, श्रीमद् भागवत के चयनित श्लोक, श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज हरिपाठ, संत तुकाराम महाराज के चयनित अभंग, व्यायाम व योगासन, वेद के तत्वज्ञान व औषधोपचार, पंचांग मार्गदर्शन, शास्त्रोक्त संगीत गायन व मृदंग वादन, लाठी भाटी, जूडो, कराटे प्रशिक्षण सिखाए गए। इस बाल संस्कार शिविर में बड़ी संख्या में बालकों ने भाग लेकर अपनी संस्कृति जानी। इस समापन कार्यक्रम में मान्यवर उपस्थित थे। श्री गजानन महाराज की पालकी का भव्य स्वागत पूर्व पार्षद पवन पाड़िया ने किया। इस अवसर पर वारकरियों को काजू, किशमिश व बिस्किट के पैकेट का वितरण किया गया। बुधवार 30 मई को रात भर विश्राम करने के बाद शेगांव के संत श्रेष्ठ श्री गजानन महाराज की पालकी आगे के लिए रवाना हुई। टावर मार्ग पर होटल स्काई लार्क के सामने पूर्व पार्षद श्री पवन पाड़िया व उनके परिवार द्वारा श्री गजानन महाराज की पालकी का भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर सभी वारकरियों को काजू, किशमिश के पैकेट व पार्ले बिस्कुट के पैकेटों का वितरण बड़ी ही श्रद्धा के साथ किया गया। पूर्व पार्षद श्री पवन पाड़िया कई सालों से यह उपक्रम चला रहे हैं। श्री गजानन महाराज के कट्टर भक्त पवन पाड़िया प्रत्येक गुरुवार को किसी भी हालात में शेगांव जरूर आते हैं। इस अवसर पर पवन पाड़िया के साथ अंकुश पाड़िया, विमल पाड़िया, सुनीता पाड़िया, मीत पाड़िया, भोला साहू, सरजू प्रसाद मुराई, दिनेश सरोदे, बालाबाऊ हगवणे, देवीदास हगवणे, गणेश निनोरे, रुपेश शिंदे, अक्षय पाचपिंडे थोटांगे, प्रकाश ताड़म, शुभम थोटांगे, अमित खिरवाल, सोनू सारवान, शिवा सारवान, रमेश शिंदे, दादा देशमुख, प्रदीप, आकाश शिवता, निशांत सरोदे, अवकाश निनोरे, जितेंद्र सावते, दीपक, मुकेश सरवान, विमल तिवारी, निखिल देशमुख, नितिन साठे, विलास साठे, सुभाष नेरकर, बबन निनोरे, यूनुस खान, देवेंद्र दानले आदि प्रमुखता से उपस्थित थे। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण ने 84 गांव जलापूर्ति योजना बंद करने के नोटिस दी। जिला परिषद सभागृह में तोड़फोड़ करने वालों पर पुलिस में शिकायत दर्ज।
बड़ा कार से गाय व गोरा बरामद। और बीडीओ के पक्ष में ठिया आंदोलन। समाचारों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे शहर की ताजा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।